इस प्रॉब्लम में हमें एक चैनल सेक्शन दिया हुआ है जिसकी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको फाइंड आउट करना है। ये दोनों सेम प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ। तो इस फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले इस फिगर को हम एक ऐसा फिगर बना लेंगे जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम है। तो देखिए, इस चैनल सेक्शन को मैंने यहाँ पे तीन रेक्टेंगल बना लिए, तो तीनों रेक्टेंगल की अपनी अपनी सीजी हो गई जो अपने अपने सेंटर में लग गई। ज़रूरी नहीं कि आप इसको तीन रेक्टेंगल में इस तरीके से डिवाइड करें, आप चाहें तो इसको तीन रेक्टेंगल में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों रेक्टेंगल की सीजी आपको नज़र आ रही है। अब हम ये देखेंगे कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये देखिए, ये चैनल सेक्शन आपको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नज़र आ रहा है, मतलब इस फिगर की जो भी नेट और एवरेज सीजी आएगी वो इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी आएगी। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आएगी उसको पता करने के लिए हमें एक्स बार वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक्स बार का फार्मूला यूज़ करने के लिए हम किसी भी फिगर को फिगर नंबर 1, किसी को भी फिगर नंबर 2 और किसी को भी फिगर नंबर 3 हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 1 बोला है, इसको 2 बोला है और इसको 3 बोला है। देखिए, हमारा जो एक्स बार का फार्मूला होगा, एक्स बार इज इक्वल टू A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। जब हमें x बार की वैल्यू निकालना रहता है तो हम रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं, y एक्सिस हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे A1 A2 A3 X1 X2 X3 की। A1 मतलब एरिया ऑफ फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया दिख रहा है आपको 200 × 50, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 × 50। A2 एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 हमें निकालना है, तो देखिए अभी इसकी लेंथ हमें नज़र नहीं आ रही है। ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल है 300, 300 में से इस 50 को और इस 50 को माइनस कर देंगे तो आपका ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये आपको पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 200 mm आएगा, इसलिए A2 एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 हम लिखेंगे, दैट इज 200 × 50। A3 एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, ये हम लिखेंगे 200 × 50। X1 देखिए, फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इसको हम बोलते हैं X1। टोटल कितना है 200 का आधा कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो इस X को मैं लिख दूंगा 100 mm। X2 फिगर नंबर 2 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये X2 है। टोटल ये कितना है 50 का आधा कर देंगे 25, तो X2 आपका आ जाएगा 25 mm। X3 फिगर नंबर 3 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका 100 mm होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 200 mm, तो ये आपका हो गया X3। तो X3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 100 mm। इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो हमारा एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 75 mm। अगर आपने रेक्टेंगल इस तरीके से भी डिवाइड किया है तब भी आपका एक्स बार की वैल्यू 75 mm ही आएगी, लेकिन उसमें A1, A2, A3 और X1, X2, X3 आपका डिफरेंट आ सकता है। किस तरीके से देखते हैं, देखिए A1 इसका एरिया वो आपको निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमको ये वाली लेंथ निकालना पड़ेगा। ये लेंथ देखिए ये कितना होगा, ये टोटल था 200, इतना 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, 200 में से 50 चला गया, ये आपका बचेगा 150। अब इसका एरिया हम लिखेंगे, दैट इज 150 × 50, और यहाँ पे एरिया आपने लिया था 200 × 50 जब आपने रेक्टेंगल इस तरीके से लिया था। A2 एरिया फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 300 और विड्थ है 50, तो A2 हम लिख देंगे 300 × 50, और यहाँ पे देखिए A2 आपने लिखा था 200 × 50। A3 एरिया फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 का एरिया निकालना, तो पहले आपको ये वाली लेंथ निकालना पड़ेगा, ये आपकी आएगी 150 जितना ये आई थी आपकी, तो A3 हमने ले लिया 150 × 50। अब हमें X1, X2 और X3 निकालना है, तो देखिए X1 क्या होगा, फिगर नंबर 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इसको हम बोलेंगे X1। X1 निकालने के लिए पहले आपको इस रेक्टेंगल का इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
ये कितना आएगा 75 आएगा। 75 में हम कितना ऐड कर देंगे 50 ऐड कर देंगे, तब आपका x1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो x1 हमारा आ जाएगा 125 mm। अब हमें x2 निकालना है। फिगर नंबर 2 के cg का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका x2 होगा। तो 50 का हम आधा कर देंगे 25, तो x2 आपका आ गया 25 mm। x3 फिगर नंबर 3 के cg का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ये आपका x3 है। ये भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ऊपर वाले रेक्टेंगल का निकाला था। पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के cg का डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, ये आपका आएगा 75। इसमें हम 50 ऐड कर देंगे तब आपका x3 आ जाएगा। तो देखिए x3 मैंने लिख दिया यहाँ पे 125 mm। इससे भी आपका x बार उतना ही आएगा जितना पहले वाले मेथड से आपने निकाला था। अगर मैं इस फिगर के cg आपको बना के बताऊं तो देखिए इस फिगर के cg यहाँ पे आएगी। इस cg का डिस्टेंस ये जो आएगा ये x बार बराबर 75 mm आएगा। अगर इस cg का डिस्टेंस आप नीचे से निकालेंगे तो ये आपका 150 mm आएगा। 150 क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला फिगर सिमेट्रिकल है xx एक्सिस के अबाउट। तो xx एक्सिस क्या करेगी, इसको आधा आधा हिस्से में डिवाइड कर देगी। आधा फिगर ऊपर रहेगा और आधा फिगर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये बीच में रहेगा, मतलब नीचे से इसका डिस्टेंस 150 mm रहेगा। नीचे से कितना रहेगा 150 mm, और यहाँ से कितना रहेगा 75 mm। इस वाले फिगर की भी सी जी सेम वहीं पर रहेगी जहाँ पे इसकी रहेगी।